नीतू एक बहुत ही आलसी लड़की थी जो कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन नीतू के हाथ में एक गुण था, वो बहुत ही अच्छा मैगी ऑमलेट बनाती। एक दिन नीतू की माँ शारदा की कमर में दर्द होता है। अरे नीतू बेटा, जरा मेरी कमर की मालिश कर दे, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। कल पानी का डब्बा उठाया था ना, बहुत भारी था वो, तब से ही मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है, कल तो नींद भी नहीं आ पाई मुझे। माँ अभी मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं एक नींद ले लेती हूँ, उसके बाद आपकी कमर की मालिश कर दूंगी ना, तब तक आप भी कुछ खा लो और मैं भी थोड़ा सो जाती हूँ ना माँ। मुझे पता है, थोड़ी देर बोलकर तो अब सीधा कल ही उठने वाली है। अरे तुझे शर्म नहीं आती है क्या? जवान हो गई है और अब भी घर के सारे काम तेरी माँ ही करे। तुझे एक काम क्या बोल दूँ, तू नखरे दिखाती है। माँ मैं कहाँ नखरे दिखा रही हूँ, बल्कि मैंने तो बोल दिया है ना कि मैं एक घंटे बाद आपकी मालिश कर दूंगी, अब आपको इसमें भी कोई परेशानी है क्या? दर्द मुझे अभी हो रहा है तो एक घंटे बाद मालिश करवा कर क्या करूंगी? एक घंटे बाद दर्द से चल बसूंगी, फिर तब किसकी मालिश करेगी तू? मेरी लाश की मालिश करेगी तब तू? माँ आप छोटी सी बात को इतना क्यों खींच रही हो, ये क्या बात है, आप मर गई तो? गलत क्या कहा मैंने? अरे हम दोनों एक दूसरे के ही सहारे जी रहे हैं, और तू है कि मेरा सहारा कम और मुसीबत ज्यादा बन रही है। कभी तुझे अपनी माँ की तकलीफ दिखाई नहीं देती है क्या? ठीक है माँ, अब अपनी ये पाठशाला बंद करो, मैं कर देती हूँ आपकी मालिश, हद होती है बस, इतनी सी बात के लिए आपने मुझे इतना ज्यादा सुना दिया। नीतू अपने आलस में अपनी माँ की तकलीफ भी नहीं देखती। कुछ दिनों बाद शारदा की बहन रमा और उसका बेटा विवेक घर आते हैं। क्या बात है दीदी, आप तो हमें भूल ही गई। मैं हमेशा फोन करती हूँ लेकिन आप कभी बात ही नहीं करती, इतनी बार आपको घर बुलाया है लेकिन आपको अपनी ही बहन के घर आने की फुर्सत नहीं मिलती। देख विवेक बेटा, मैंने कहा था ना तुझे, तेरी मासी ऐसी ही है, इतने दिनों बाद मैं यहाँ उसे मिलने आई हूँ। खुशी नहीं दिखाई दे रही इसके चेहरे पर, लेकिन ताने कितने सुना दिए थोड़ी सी देर में हम दोनों को। मासी जी, घर के बाहर खड़ा करके आप ताने दिए जा रही हो हमें, लगता है मौसी जी आप नहीं चाहती हम आपके घर के अंदर आए। अरे कैसी बात कर रहा है विवेक तू, ये तेरा ही तो घर है, मैं कौन होती हूँ भला तुझे रोकने वाली। वो तो इतने सालों बाद अपनी बड़ी बहन को देखा तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। यादें तो ताज़ा कर ली हैं, अब हम दोनों को कुछ ताज़ा खिला भी दे। ट्रेन के सफर में तो हालत ही खराब हो गई है हम दोनों की, और भूख भी इतनी तेज लगी है कि क्या ही बताऊं। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर आओ। नीतू देख तो कौन आया है, जरा इनके लिए अपना स्पेशल रेसिपी बना के तो ले आ, तेरी मौसी को ऑमलेट बहुत ज्यादा पसंद है। मेहमानों के आगे नीतू अपनी माँ की बात काटती है और मैगी ऑमलेट बनाने लग जाती है। कुछ देर बाद मैगी ऑमलेट बन जाता है और वो सबके लिए लेकर आती है। मेरी बेटी मैगी ऑमलेट बहुत अच्छा बनाती है, दीदी खाकर बताओ कैसा बनाया है। कुछ अलग अलग सा लग रहा है। हाँ माँ अलग तो लग रहा है लेकिन टेस्टी भी बहुत है। नीतू मेरे लिए दो चार और बना दो, वो क्या है ना मैं यही खा के पेट भरने वाला हूँ। और मैं भी यही खाकर अपना पेट भरने वाली हूँ, ऐसा लग रहा है मैगी ऑमलेट खाने के लिए ही मैं भूखी थी। शारदा तुझे पता है हमने पूरे सफर में कुछ नहीं खाया था, मन ही नहीं हुआ कि कहीं कुछ खा ले। माँ मैं नहीं बना रही, अंडे और मैगी दोनों ही खत्म हो गए हैं और अब मेरा मन भी नहीं है। मैगी ऑमलेट का क्या है, वो तो मैं ले आऊंगा। मौसी जी आप बताओ कहाँ है दुकान। क्यों नखरे दिखा रही है, तेरी मौसी का इतना मन हो रहा है जब खाने का तो बना देना। वो दीदी इसका रोज का ही ऐसा है, बहुत आलसी है ये, किसी भी काम को करने में इतने नखरे दिखाती है, अब क्या ही बताऊं मैं। क्यों नहीं तो बेटा ऐसा क्यों करती हो, मम्मी को परेशान करना क्या अच्छा लगता है तुम्हें? अरे तुम इतनी अच्छी स्पेशल मैगी ऑमलेट बना लेती हो, तुम्हें तो खुद पर गर्व होना चाहिए, हर कोई ऐसा नहीं बना पाता। हाँ तो क्या हुआ, मैं बता दूंगी ना कैसे बनाते हैं स्पेशल मैगी ऑमलेट, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं नहीं बेटा ये गलती भूल कर भी मत करना, जो तेरा गुण है उससे तू लोगों को सुख दे, अपना गुण मत बता। अब हर कोई तेरी तरह मैगी ऑमलेट बना लेगा तो तेरा खास कैसे होगा। नीतू फिर से सबके लिए मैगी ऑमलेट बनाने लग जाती है। कुछ दिनों के बाद शारदा को अचानक से दिल में दर्द होने लगता है। नीतू बेटा अब शायद मैं ना बचूं, तू अपना ख्याल रखियो।
शारदा की ऐसी हालत देखकर नीतू बहुत डर जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है। लेकिन बीच रास्ते में ही शारदा को हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद नीतू अकेली पड़ जाती है। नीतू अपनी माँ की तस्वीर को हाथ में लेकर रो रही थी। माँ, आप मुझे क्यों अकेला छोड़कर चली गई? आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? आपको तो पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर चली गई। अब मेरा क्या होगा? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी इस दुनिया में अकेली? नीतू बेटा, तू ऐसे हिम्मत मत हार, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तुझे अब खुद ही सब कुछ करना है, तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, अब अपने बारे में सोच के तू आगे क्या करेगी? माँ ही नहीं है तो मैं जीकर भी क्या करूँगी? मैं तो आज तक अपने काम भी खुद नहीं करती थी, माँ ही मेरे सारे काम करती थी। उन्होंने खुद से भी कभी मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। अपनी माँ की लाडली तो तू शुरू से ही थी, लेकिन तेरी माँ शुरू से ही तुझे समझाती थी ना कि अपने पैरों पर खड़ी हो जा, तो तू अपनी माँ का नाम रोशन करने के लिए, उनकी आत्मा को खुशी देने के लिए ही अपने पैरों पर खड़ी हो जा मेरी बच्ची। तेरी माँ तुझे जहाँ से भी देख रही होगी उन्हें भी अच्छा लगेगा ना। मैं क्या करूँ मासी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ के जाने से मेरी पूरी दुनिया ही घूम गई है। मैं समझ रही हूँ तेरा हाल, तुझ पर क्या बीत रही है मुझे पता है। तेरी माँ ने हमेशा ही तेरे हाथ के बने स्पेशल मैगी ऑमलेट की बहुत तारीफ की है, तो तू अब अपनी माँ का नाम उसी से रोशन कर और इसका काम शुरू कर दे। मतलब मैं मैगी ऑमलेट की दुकान खोलूं? बेटा आज नहीं तो कल तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ेगा ना, और वैसे भी तू सच में बहुत अच्छा मैगी ऑमलेट बनाती है, तो अब वही तो लोगों को भी बेचा कर। अपनी मौसी की बात नीतू को बिल्कुल सही लगती है, इसीलिए अब वो मैगी ऑमलेट की एक दुकान खोलती है और बेचना शुरू करती है। शुरू में तो काम बिल्कुल नहीं चलता, बस एक दो ग्राहक ही आ रहे थे। मासी के कहने पर मैंने दुकान तो खोल ली, लेकिन यहाँ तो ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। माँ के कुछ बचे हुए पैसों से काम शुरू किया था, अब तो वो पैसे भी खत्म होने वाले हैं। नीतू काफी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती। कुछ दिनों बाद नीतू की दुकान पर अनिल नाम का एक आदमी आता है और वो नीतू से मैगी ऑमलेट बनवाता है। अनिल जैसे ही मैगी ऑमलेट खाता है तो उसे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वाओ, ये कितना टेस्टी है, कैसे बनाया तुमने? मुझे मेरी मौसी ने बताया था कि अपना खास तरीका किसी को बताना नहीं चाहिए, वरना खास से आम बनने में देरी नहीं लगती, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने कैसे बनाया है ये। नाइस, वैसे ये मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको भी ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा एक 5-स्टार होटल है। जी आपका होटल है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, और मैंने अपने होटल के मेन्यू में आपकी मैगी ऑमलेट की रेसिपी को ऐड कर दिया है, क्या आप हमारे साथ काम करना चाहोगी? अनिल का इतना बड़ा ऑफर नीतू की जिंदगी में एक बार फिर से रंग भर देता है, जिसके बाद नीतू वहाँ बहुत मेहनत करती है और अब लोगों में उसके हाथ की स्पेशल मैगी ऑमलेट भी फेमस हो जाती है। प्रीति की शादी से 10 दिन पहले उसके दूर के रिश्तेदार में किसी की डेथ हो जाती है, जिस वजह से प्रीति और शिवम की शादी रोकने की बात होने लगती है। पर शादी की लगभग सब तैयारियां बीच में पड़ी हुई थी और अब उसे रोक पाना मुश्किल था, इसीलिए मजबूरी में प्रीति और शिवम की शादी मंदिर में होती है। दुल्हन के घर आने के साथ ही कलावती अपनी बहू से कहती है, बहू तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी किन हालातों में हुई है, तो इसलिए अब बहुत लोगों का घर में आना जाना लगा रहेगा। हाँ माँ जी, अब क्या कर सकते हैं, सारी तैयारियाँ तो हो चुकी थी शादी की, रोके जाने का भी कोई फायदा नहीं था। हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, पर अब तुझे देखने के लिए बहुत सारे रिश्तेदार आते ही रहेंगे, तो उनकी खातिरदारी के लिए तैयार हो जा। हाँ हाँ माँ जी। ये कहकर कलावती अपने कामों में लग जाती है और नई नवेली बहू के आने की खुशी में कलावती के घर किसी न किसी का आना जाना रोज लगा रहता। और इसी बीच कलावती की बेटी यानी के प्रीति की ननद टीना भी आती है, जो अपनी नई नवेली भाभी को देखकर कहती है, भाभी तो मेरे बाकी सुंदर है, लेकिन अगर उनकी शादी धूमधाम से होती तो और भी मजा आता। वो तो शुक्र मना कि इनकी शादी मैंने मंदिर में करवा दी
वरना अगले 2 महीने तक कोई मुहूर्त ही नहीं था शादी का। चलो कोई नहीं, शादी तो अच्छे से हो गई ना, और क्या चाहिए। अब मैं जब आ ही गई हूँ तो शिवम की शादी की पहली दावत मैं खाकर ही जाऊंगी। क्यों नहीं, जरूर बनाएगी प्रीति अपने हाथों से अपनी शादी की पहली दावत। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? हाँ माँ जी, मैं बनाऊंगी ना दीदी के लिए कुछ अच्छा। पर मेरे पसंद का गाजर का हलवा, खीर पूड़ी और आलू की सब्जी जरूर बनाना भाभी। अच्छा ठीक है, प्रीति ये सब बना देगी। देर शाम प्रीति अपनी सास कलावती से पूछती है, माँ जी क्या बनाना है खाने में और कितने लोगों का? 10 लोगों का खाना बनेगा और टीना ने जो बोला है वो सब बना ले। पर माँ जी अपने घर में तो 7 ही जने हैं। ज्यादा बना ले, कोई और आ गया तो क्या फिर बनाएगी। अपनी सास के कहने पर नई नवेली दुल्हन किचन में खाना बनाने जाती है और 10 लोगों का खाना बनाकर वो परेशान हो जाती है। और जब खाने का समय आता है तो एक तो बाहर से आए लोग ही सारा खाना खा लेते हैं और प्रीति के लिए बर्तनों का पहाड़ बन जाता है। और ये सब देखकर प्रीति अपनी सास कलावती से कहती है, मैंने 10 लोगों का खाना बनाया था पर अब कुछ नहीं बचा है। तूने तो खा लिया ना, बाकी तो सब खा चुके हैं। अच्छा ठीक है माँ जी, अच्छी बात है सबने खा लिया तो। बहू वैसे तो तूने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था, सबको तेरे हाथों का खाना बहुत अच्छा लगा। हाँ क्यों नहीं, सालों से भूखे थे, मेरे हाथों का खाना खाने के लिए ही तो आए थे। तो सारा खाना खा चुके हैं पर मेरे लिए कुछ बचा भी नहीं है। और ये बर्तन देख मेरी कमर में दर्द और हो रहा है। शादी का दूसरा दिन और इतना काम कौन करवाता है। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही है? किचन का काम खत्म करके अब तू भी जा सो जा। हाँ माँ जी। प्रीति तो अभी नई नवेली दुल्हन है, वो अपनी सास को कुछ नहीं बोल सकती थी और वो हार कर रात के 12 बजे तक खाना बनाकर बर्तन धोकर सारा काम करके सोने जाती है। तो वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज शादी का दूसरा दिन था तो मैंने शादी की पहली दावत के लिए खाना पीना सब कर दिया है, लेकिन इस तरह लोग आते रहेंगे तो मुझसे ये सब अकेले नहीं होगा और आज तो मेरी कमर में भी दर्द हो गया। अच्छा, वैसे भी अब कोई नहीं आएगा और अगर आएगा भी तो सब हमारी शादी की पहली दावत ही खाने आएंगे क्या? हाँ ये भी है। चलो ठीक है, अब हम सो जाते हैं, मैं तो काफी थक गई हूँ। मैंने आज तक अपने घर में इतना काम एक साथ कभी नहीं किया जितना शादी के दूसरे ही दिन मुझसे करवाया गया है। अरे तुम सोचती बहुत हो, अब सो भी जाओ ना। अगली सुबह कलावती किचन में सबके लिए चाय बना रही थी तभी किसी के आने की चहल पहल सुनाई देती है और कलावती हॉल में आकर देखती है तो पता चलता है कि शिवम की बुआ और कलावती की ननद कोकिल आई है, जो कलावती को देखते ही कहती है, भाभी बेटे की शादी भी कर ली और याद भी नहीं किया आपने। कोकिला तू तो जानती है ना कि कैसे कैसे मैंने मंदिर में दोनों की शादी करवाई है, वरना 2 महीने बाद कब मुहूर्त था। सो तो है, पर मुझे बुला लिया होता तो मैं मंदिर भी आ जाती। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ तो किसी को बुलाया ही नहीं, बहुत कम लोगों के बीच में दोनों की शादी करवाई है। अच्छा बातें तो होती रहेंगी, बहू तो देखूं कैसी है। ये कहकर कोकिला प्रीति के कमरे में जाती है और प्रीति का मुंह देखकर उसे मुंह दिखाई देते हुए कहती है, बहू तो बहुत खूबसूरत है मेरी। वैसे सिर्फ खूबसूरती ही है या फिर खाना पीना भी बना लेती हूँ? जी बना लेती हूँ। हाँ हाँ कोकिला, कैसी बातें कर रही है, इसकी शादी की दावत भी तो अभी बाकी है, खिलाकर ही भेजेगी और जब तू खाएगी इसके हाथों का खाना तब पता लगेगा कि मेरी बहू कितनी गुणवान है। अच्छा तो मैं अपने बेटे की बहू की शादी की पहली दावत खा कर ही जाऊंगी। ये सुनकर फिर से प्रीति परेशान हो जाती है कि आज भी इतने लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। ये सोचकर प्रीति शाम की दावत की तैयारी करती है और खाना बन जाने के बाद कलावती से कहती है, माँ जी खाना बनकर तैयार है, आप देख ले किसे किसे खिलाना है। कलावती बड़ी खुशी से कोकिला और घर वालों को खाना खिलाती है, लेकिन कोकिला खाना खाते ही कहती है, कितना नमक है खाने में, क्या तेरी बहू को नमक मिर्च का सेंस नहीं है, खाने में कितना नमक डालना है कितना नहीं। क्या बोल रही है कोकिला, क्या हुआ? खा कर देख फिर पता लगेगा। वाकई बहुत नमक है इस सब्जी में तो। खाना खाने के बाद कलावती प्रीति को आवाज लगाती है, बहू तूने कैसा खाना बनाया है, देख सिर्फ नमक ही नमक है खाने में। माँ जी मैंने इतने लोगों का खाना कभी नहीं बनाया, इसलिए मुझे पता नहीं लगा खाने में ज्यादा नमक हो गया। तो मुझसे पूछ लेती, सारे खाने का सत्यानाश कर दिया, ऊपर से मेहमानों के सामने भी मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया तूने। इस इंसिडेंट के बाद मेहमानों का आना तो लगा ही रहता और अब बारी शिवम की मौसी की थी, जो अपनी बहन की बहू को देखने आई थी, यानी कलावती की छोटी बहन। और बहन के आने की खुशी में कलावती प्रीति से कहती है, बहू मेरी बहन आई है तो उसके खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और उसके लिए अच्छा खाना बना, लेकिन
खाने में नमक मिर्च सब हिसाब से होना चाहिए। हाँ माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी इन चीजों का। ये कहकर प्रीति कलावती की बहन ललिता के लिए दावत बनाने जाती है। वो देखती है कि किचन में मछली रखी है जो उसे बनाने के लिए कहा जाता है, पर प्रीति ने ना तो कभी मछली खाई थी और ना बनाई थी। ऐसे में वो कटे हुए मांस को देखकर उल्टियां करने लगती है। किचन में ये सब होता देखकर ललिता किचन में आकर प्रीति से कहती है, बहू क्या हुआ तुझे, तुझे उल्टियां क्यों होने लगी? कोई गुड न्यूज है क्या? पर तेरी शादी को तो एक महीना भी नहीं हुआ, कहीं ये पहले से तो नहीं? उल्टियों के कारण प्रीति कुछ बोल नहीं पाती। तब तक पूरे घर में शोर मच जाता है कि प्रीति पेट से है, और ये सुनकर कलावती और शिवम भी वहाँ आते हैं और प्रीति से कलावती कहती है, प्रीति सच में क्या तुम पेट से हो? ये आपको किसने कहा माँ जी? तुम जो ये उल्टियाँ कर रही हो ये सब क्या है? आप ये क्या बोल रही हैं? मैं कोई पेट से नहीं हूँ, बल्कि मुझे कटी हुई मछली देखकर उल्टियाँ होने लगी। और माँ जी आप भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती हो। मैं तो डर ही गई थी, ललिता तू भी ना कुछ भी बोलती है। माँ जी मुझसे ये दावत का खाना बनाना और नहीं होगा, रोज रोज इतने लोग आते हैं कि मैं खाना बना बना कर थक गई हूँ। अब आपका कोई पोता या पोती होगी तब आप और लोगों को दावत देना और पार्टी देना। ठीक है, तू सही कह रही है, जो भी आता है उसके लिए मैं तुझसे ना जाने कितना खाना बनवा लेती हूँ और तुझे सुनाती भी हूँ। अब कोई दावत नहीं होगी, मेरे पोता पोती होने के बाद ही कोई दावत रखी जाएगी। ये सब होने के बाद कलावती भी किसी मेहमान के आने पर उसे ये नहीं कहती कि मेरी बहू के हाथ का खाना खा कर देखो, क्योंकि मेहमान भी एक दिन रहने के बजाय कई दिन वहीं रुक जाते थे और खाने पीने के बाद बातें भी बनाते थे। पिज्जा खाना तो सबको पसंद होता है, और आजकल के जमाने में पिज्जा खाने का तो जैसे ट्रेंड बन गया है। तो ऐसा ही कुछ हाल हमारी अविता की पांच पांच बहुओं का भी था, जिन्हें पिज्जा खाने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन अविता आराम से अपने घर के सोफे पर बैठकर अपना फेवरेट सीरियल देख रही होती है कि तभी अचानक डोरबेल बजती है। अविता जैसे ही उठकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने एक डिलीवरी बॉय पांच पांच पिज्जा के बॉक्स लेकर खड़ा है, और अविता उसे देखकर हैरानी से कहती है, रीमा जी का घर यही है, उन्होंने पांच पिज्जा ऑर्डर किए थे। जी हाँ यही है। ठीक है मैडम, ये हैं आपके पिज्जा, पेमेंट मैडम ने ऑनलाइन ही कर दी थी। ये मेरी पांच पिज्जा खाने वाली बहुएं भी ना आज फिर से इन्होंने पिज्जा मंगवा लिया, घर के खाने से ज्यादा तो ये सब पिज्जा खाती है। अब आवाज देती हूँ इनको, रीमा सीमा मीना दिया सिया आ जाओ, तुम सबका पिज्जा आ गया है। अपनी सास की आवाज सुनकर उसकी पांचों की पांचों बहुएं अपने पिज्जा के आने की खबर सुनकर जल्दी जल्दी से अपने कमरों से भागी भागी निकलकर बाहर हॉल में आती हैं और एक एक करके कहती हैं, मेरा मशरूम पिज्जा, मेरा चीज पिज्जा, मेरा कैप्सिकम पिज्जा, मेरा कॉर्न पिज्जा और मेरा मैक्रोनी पिज्जा, जिसका जो है ले लो। समझ नहीं आता मुझे तुम सबको इस मैदे की रोटी को खाने में क्या मजा आता है। अविता की बात सुन सभी बहुएं अपना अपना पिज्जा बॉक्स उठा लेती हैं और पिज्जा की एक एक स्लाइस निकाल कर खाने लगी हैं और खाते खाते कहती हैं, माँ जी इसके स्वाद में जादू है जादू, जो मजा आपको घर के दाल चावल और भुजिया खाने में आता है वही हमें इसे खाकर आता है। हाँ जी, इसमें जो ये मशरूम है ना और उसके ऊपर से चीज और ये पिज्जा टॉपिंग, इसका कॉम्बो ओ हो हो, और फिर उस पर एक्स्ट्रा ऑरेगानो, स्वाद में लाजवाब है। और माँ जी आपको तो पता ही है कि मुझे तो कैप्सिकम कितना ज्यादा पसंद है, और जब ये कैप्सिकम पिज्जा के साथ आ जाता है तो बस फिर क्या ही कहना, खा कर देखो ना माँ जी, ऐसे बोल कर इसका स्वाद नहीं बताया जाता। और माँ जी ये कॉर्न वाला पिज्जा और भी ज्यादा धमाल है, आपको पता है मुझे तीखा और चटपटा पसंद तो नहीं है, जो कॉर्न के हल्की सी मिठास और स्वाद है ना, मस्त मजा आ जाता है। और मैक्रोनी तो वैसे ही कमाल की होती है, और जब इसे पिज्जा बेस पर डालकर पिज्जा टॉपिंग लगाकर मसालों का फ्लेवर दिया हो ना, फिर तो ये ऑसम से भी ऑसम हो जाती है। अरे बस करो अपना अपना ये पिज्जा का भाषण, मुझे नहीं सुनना। अरे जो मजा घर की दाल रोटी खाने में है वो इस मैदे की रोटी में नहीं, तुम ही खाओ अपना पिज्जा वीजा, मुझे नहीं खाना। इतना कहकर अविता वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और पांचों बहुएं रोज कोई ना कोई पिज्जा मंगवा कर खाने लगती है। ऐसे ही एक दिन पांचों बहुएं हॉल में बैठी अपने अपने फोन में अलग अलग पिज्जा देख रही होती है, तभी रीमा बोलती है, वाह यार
कितने सारे नए नए पिज्जा आ रहे हैं आजकल, मन तो कर रहा है सारे के सारे एक बार में खा जाऊं। सब के सब एक साथ खा लोगे तो फिर खाने का मजा भी नहीं आएगा और ना ही किसी को स्वाद आएगा। ये भी है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम सब रोज बदल बदल कर पिज्जा खाएं। आज तक तो हम अपनी अपनी पसंद का पिज्जा खाते आ रहे हैं, अब एक एक करके सबकी पसंद का पिज्जा खाते हैं। ये तो एक बेहतरीन आइडिया है, इससे हम सबका भला हो जाएगा, साथ ही हमें हर दिन एक ही पिज्जा नहीं खाना पड़ेगा, सारे पिज्जा का स्वाद मालूम हो जाएगा। तो फिर ठीक है, अब हम सब यही किया करेंगे, हम डेली अपनी अपनी पसंद का पिज्जा ना मंगवा कर किसी एक की पसंद का 5 पिज्जा मंगवा लिया करेंगे। पर याद रहे, पिज्जा तो हम खा रहे हैं पर हमारी सेहत पर कोई नुकसान नहीं पड़ना चाहिए, इसका भी ख्याल रखना है कि हम बीमार ना हो। अरे बिल्कुल, हम सब अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखेंगे। इसके लिए हम डेली पिज्जा नहीं मंगवाया करेंगे बल्कि हफ्ते में एक ही दिन पिज्जा खाया करेंगे। ये ठीक है, और बाकी दिन एक अच्छी डाइट को फॉलो करेंगे। सही कहा, ताकि माँ जी को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं और पांचों बहुएं मिलकर हर हफ्ते किसी ना किसी नए फ्लेवर के पिज्जा को मंगवा कर खाने लगती है और बाकी दिन घर का बना खाना खाती है। ऐसे ही एक दिन अविता घर के आंगन में बैठी हुई अचार बनाने के लिए कच्ची कैरियां सुखा रही होती है, तभी वहाँ पर पांचों बहुएं आकर कहती हैं, माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? अरे बहू, अचार बनाने के लिए कच्ची कैरी को हल्दी नमक लगाकर धूप में सुखा रही हूँ, फिर मसाला मिलाकर सरसों का तेल डाल देंगे। अरे वाह माँ जी, इसका स्वाद तो कितना अच्छा है, काश ये स्वाद हमें पिज्जा में भी मिल जाता। जैसे वो आते हैं ना अचारी मस्ती मैड एंगल्स, वैसे ही अचारी मस्त पिज्जा भी होना चाहिए, खाते ही मुंह में खट्टा मीठा स्वाद घुल जाता है। बात तो सही है, और जब डोमिनोज वाले और पिज्जा हट वाले इतने सारे नए नए पिज्जा बना सकते हैं, इतने आविष्कार कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। सही कहा आपने, आज घर पर अचारी पिज्जा बना कर खाएंगे, चलो जल्दी रसोई में, आज घर पर पिज्जा बनेगा। इतना कहकर पांचों बहुएं रसोई में जाती हैं और कुछ ही देर में खट्टा मीठा अचारी पिज्जा बनाकर अविता के पास लेकर आती है और कहती है, माँ जी खा कर देखो ना कैसा बना है, आज हमने कुछ नया बनाने की कोशिश की है। जी माँ जी, बस आप एक बार खाकर बता दो कैसा बना है। खाती हूँ। इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है, वैसे मैं तो पिज्जा नहीं खाती थी पर ये अच्छा बना है बहुत। अगर माँ जी ने इस पिज्जा को ग्रीन चीट दी है तो इसका मतलब ये सच में अच्छा बना होगा। ये तुम्हारा पिज्जा पर आविष्कार काम कर गया, तुम सब भी खाकर देखो तुम्हारी मेहनत क्या रंग लाई है। सच में पिज्जा बहुत टेस्टी है। बहुत मजा आ गया इसे खाकर, आज तक इतने सारे पिज्जा खाए हैं पर इसका स्वाद सबसे अलग है जो हमने खुद बनाया है। ऐसे ही सभी घर के बने आचारी पिज्जा का मजा लेते हैं और यूं ही दिन गुजरते हैं। अब पांचों बहुएं साथ मिलकर घर पर कभी कुरकुरे पिज्जा बनाती तो कभी चिप्स पिज्जा तो कभी किसी भी फेवरेट सब्जी का पिज्जा बनाती, साथ ही अविता को भी खिलाती। अपनी बहुओं की बढ़ती कलाकारी को देखकर एक दिन अविता अपनी पांचों बहुओं से कहती है, सुनो मेरी पांच प्यारी बहुओं, मैं जानती हूँ कि तुम सबको जितना शौक पिज्जा खाने का है उतना ही शौक अब पिज्जा बनाने का भी है, इसलिए मेरे पास तुम सबके लिए एक तरकीब है, क्यों ना तुम पांचों की पांचों मिलकर अपना खुद का पिज्जा पॉइंट खोल लो। वाह माँ जी, क्या आइडिया दिया है आपने, हम सबको अपने बनाए हुए नए नए फ्लेवर वाले पिज्जा खिलाएंगे। और मुझे पक्का पता है सबको हमारा ये पिज्जा बहुत पसंद आएगा। और इसी के साथ हम बाकी के रेगुलर पिज्जा का फ्लेवर भी ऐड करेंगे, ताकि जो लोग पुराना खाना पसंद करते हैं वो पुराने वाला खाएं और बाकियों को हम नया स्वाद चखाएंगे। माँ जी आपने तो हमें और हमारे शौक को एक नई दिशा दे दी। हाँ जी बाजी, अब हम घर से पिज्जा पॉइंट शुरू करेंगे और हमारे पिज्जा पॉइंट का नाम आपके नाम पर होगा। इतना कहकर पांचों बहुएं काम पर लग जाती हैं और कुछ ही दिनों में अपना अविता पिज्जा पॉइंट खोलती हैं, जहां वो तरह तरह के पिज्जा बनाकर सेल करने लगती हैं। सभी को उनके हाथों के पिज्जा खूब पसंद आते हैं, साथ ही जनता की डिमांड पर वो और भी कई तरह के पिज्जा बनाती हैं, जैसे फ्रूट चॉकलेट आदि। जैसे ही पिज्जा बनाने लगती है धीरे धीरे इन पांचों के आसपास के शहरों में भी काफी इनका नाम हो जाता है और लोग दूर दूर से अविता पिज्जा पॉइंट पर पिज्जा खाने के लिए आने लगते हैं।